तो hey so, so, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि इस पर आज मैं आप लोगों को कुछ सिंपल टिप्स एंड ड्रिल्स बताने वाला हूँ बट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है इससे आप लोगों को क्लोज रेंज में ज्यादा से ज्यादा हेड शॉट कनेक्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी एंड आप लोगों की हिप फायर की जो एक्यूरेसी है ना वो गॉड लेवल की हो जाएगी क्योंकि ये टिप्स एंड ड्रिल्स मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ एंड मुझे इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है देखो वैसे मैं गेम तो डेली नहीं खेलता हूं मैं दो से तीन दिन में एक बार गेम खेलता हूँ एंड जब भी मैं दो से तीन दिन में एक बार गेम खेलने आता हूँ तो उस टाइम मेरी हिप फायर है वो काफी गंदी हो जाती है एंड मेरे हेडशॉट भी कनेक्ट नहीं होती है तो मैं इन सारी ड्रिल्स को सिर्फ पांच मिनट प्रैक्टिस कर लेता हूँ उसके बाद मुझे हिप फायर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती एंड मेरे क्लोज रेंज में हेडशॉट भी कनेक्ट होते हैं सोपाली वीडियो एंड तक जरूर देखना आप लोगों को भी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं सो so सोगाइ अगर आप लोग क्लोज रेंज में ज्यादा से ज्यादा हेड शॉट कनेक्ट करना चाहते हो हिप फायर में तो आप लोगों को सिर्फ इन दो पॉइंट का ध्यान रखना होगा फर्स्ट है हमारी क्रॉस एयर प्लेसमेंट एंड सेकंड है हमारी जिगल ट्रेसिंग अगर आप लोगों की ये दो चीज ही सही नहीं होगी ना देन आप लोगों को क्लोज रेंज में हेड शॉर्ट कनेक्ट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है तो आई बटन पे अभी जो वीडियो आ रही है आप लोग वो वाली वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना इस वाली वीडियो को देखने के बाद क्योंकि उस पर मैंने बताई की कैसे आप लोग अपनी क्रॉस एयर प्लेसमेंट एंड जिगल ट्रेसिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं तो अब मैं आप लोगों को कोई ड्रिल्स बता देता हूँ जिससे आप लोगों को अपनी हेड की की

तो देखो अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे ये बोर्ड एक जगह पे रुका रहेगा आप लोगों को सिंपली इसे जिगेल करते हुए गिराना पड़ेगा अभी आप लोगों के गन में देखो कोई भी अटैचमेंट वगैरह नहीं है आप लोग कारल से जब फायर दोगे ना तो उस टाइम पे आप लोगों के बुलेट स्प्रेड के वजह से आप लोगों के हेडशॉट कनेक्ट नहीं होंगे शुरू शुरू पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मुझे दो स्प्रे लगा एक बोर्ड को डाउन करने में तो अगर आप लोग इस वाले ड्रिल को पाँच मिनट प्रैक्टिस कर लोगे टीडीएम मैच स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की जो थोड़ी हिप फायर की एक्यूरेसी वो इम्प्रूव हो जाएगी अब आप लोगों को क्या करना है फिर से इस वाली बोर्ड के पास आना है आप लोगों को फिर से स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सेलेक्ट करनी है डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट करनी है कस्टमाइज पे क्लिक करना है और वैसे ही यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ टारगेट आप लोगों को रखनी हेल्थ ऑफ टारगेट को कोई चेंजेस नहीं करनी सिर्फ आप लोगों को मूवमेंट स्पीड है ये हाफ पे ला देनी है अब और यहाँ पे आप लोग हेलमेट को लेवल थ्री सेलेक्ट करके इफेक्टिव पार्ट पे हेड को सेलेक्ट करके स्टार्ट कर देना तो अब देखो ये जो बोर्ड है वो मूव करता रहेगा आप लोगों को सिंपली इसे हिप फायर देकर गिराना पड़ेगा एंड आप लोग जब तक इसे हेड नहीं मारोगे ना हिप फायर में ये बोर्ड नहीं डाउन होने वाला तो आप लोग देख सकते हैं मेरी कितनी ज्यादा बुलेट मिस हो रही है क्योंकि मैं दो से तीन दिन पे जब भी मैं खेलता हूँ ना तो ऐसे ही होता है मेरा एम भी काफी खराब हो जाता है और मेरे हेड शॉट वगैरह भी कनेक्ट नहीं होते बट इस वाले ड्रिल से मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है देख सकते गन पे कोई भी अटैचमेंट नहीं है एंड आप लोगों को तो पता ही है कि कारिल की बुलेट स्प्रेड कितनी होती है तो नेक्स्ट ड्रिल के लिए आप लोग सिंपली इस वाली जगह पे आना एंड आप लोग दोनों

तो आप लोग ट्राई करना ना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने इस वाली ट्रेनिंग पे जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये बॉट्स हमें डैमेज अभी दे रहे हैं एंड आप लोग ट्राई करना ना अपनी एच हील नहीं करने की मीन्स आप लोगों की जितनी एच है आप लोग उतनी एच पे सारे बॉट्स को फिनिश करने की ट्राई करना जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी एच जितनी है मैं उतनी पे ही बॉट को फिनिश करने की ट्राई कर रहा हूँ एंड यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो फर्स्ट राउंड फिनिश हो चुकी है तो सेकेंड राउंड पर भी आप लोग हील वगैरह मत करना आप लोग वैसे ही ट्राई करने की कोशिश करना कि आप लोग अगर फिनिश कर पाते हो तो काफ़ी अच्छी बात है इससे आप लोगों गेम प्ले काफी इंप्रूव हो जाएगी एंड आप लोग कवर वगैरह का भी यूटिलाइज करना है। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं मैं कवर का यूटिलाइज कर रहा हूं तो देख सकते हैं ये मैच हमारी एंड हो चुकी है क्योंकि इस वाली बॉट ने मुझे फिनिश कर दिया तो अब आप लोग मैच के स्कोर देख सकते हैं मैंने 200 स्कोर करी है एंड यहाँ पे मैंने चार बॉट को डिफीट किया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थर्टीन मेरी बुलेट हिट करी है बॉट के हेड पे एंड नाइन्टी वन बुलेट मैंने मिस करी है हेड पे एंड अगर आप लोग तीनों ही राउंड को कंप्लीट कर लेते ना उसके बाद आप लोग क्या करना फिर से ये वाली मैच को स्टार्ट करना बट इस टाइम पे आप लोग अपनी हेलमेट और वेस्ट उतार के करना तो अब आप लोगों को जो डैमेज मिलने वाली है ना वो डबल होने वाली क्योंकि इस बार आप लोगों के पास हेलमेट नहीं होगी ना होगी और जो हेलमेट और वेस्ट आप लोगों को मिली थी वो लेवल थ्री की थी तो अब आप लोगों को पता चलेगा कि काफी ज्यादा आप लोगों को डैमेज मिल रहा है तो जैसे कि आप लोग देख सकते मैं इतने ट्राई किया बट फिर भी मैं एक ही बॉट को खेल करके यहाँ पे फिनिश हो गया एंड आप लोग देख सकते मैं एम से स्टॉफ करके कर रहा हूँ तो इससे और थोड़ी प्रॉब्लम हमें हो रही है बट इससे आप लोगों की जो हेड शॉर्ट की एक्यूरेसी है ना वो हंड्रेड परसेंट इंप्रूव होने वाली है क्योंकि ये मैं खुद की एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है एम पे या हिप फायर पे या फिर मेरे हेड शॉट कनेक्ट नहीं होते तो मैं पांच दस मिनट के लिए ये सारी ड्रग्स को प्रैक्टिस कर लेता हूँ एंड अगर आप लोगों को अपनी जिगे इंप्रूव करनी है एम इंप्रूव करनी है या पीक इंप्रूव करनी है या किसी भी टाइप की इंप्रूवमेंट वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर से चेकआउट कर लेना मैंने काफी सारी इंप्रूवमेंट वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना थैंक्स फॉर वॉचिंग